everyone, this is Yogita. Welcome to our channel Tri-City Property Guru. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करूंगी एक विला. अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी देखने जा रहा है तो वो तीन से चार फैक्टर्स को ध्यान में रखता है. सबसे पहला फैक्टर रहेगा लोकेशन का. तो जो इस घर की लोकेशन रहेगी गाइस, वो 125 सेक्टर सनी एनक्लेव मोहाली की रहेगी, जो कि फुली डेवलप्ड एरिया रहेगा. जो इस विला की पर्टिकुलरली लोकेशन रहेगी वो आपके केंद्रीय विहार की बैक साइड रहेगी. नेक्स्ट फैक्टर रहेगा इस विला का साइज, जो कि 112 गज में ये बिल्टअप रहेगा, जिसकी डायमेंशन रहेगी 20x50. देन थर्ड फैक्टर आ जाता है प्राइस का. कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो आप सबसे पहली जो चीज देखोगे वो प्राइस रहेगा. तो वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ ये विला हम आपके लिए लेकर आए हैं गाइस. नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर रहेगा कि आपके प्रॉपर्टी की, आपके घर की नियर बाय की लोकेशंस क्या रहेगी. क्या आपको हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉल्स नियर बाय में मिल रहे हैं? जी हाँ गाइस, बिल्कुल 2 से 3 मिनट की दूरी पे आपको ये सारी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपके रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज एंड मॉल, ये सब चीज़ें आपको 2 से 3 मिनट की दूरी पे मिल जाएंगी. तो अब हम बात करते हैं इस विला के रिगार्डिंग. सबसे पहले चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो रहता है विला का एलिवेशन. बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट डिज़ाइन के साथ आपको ये जो है इसकी फर्स्ट लुक मिल रही है, जिसमें टफन ग्लास यूज़ हुआ है, टाइल वर्क यूज़ की गई है ताकि इसकी लुक और अच्छी आपको यहाँ पे मिले. काफ़ी अच्छी लाइट्स यूज़ की गई हैं यहाँ पे, जिसमें आपको जो नाइट लुक भी रहेगा आपके विला का वो भी ज़बरदस्त रहेगा. तो हम जहाँ पे मैं प्रेजेंटली खड़ी हूँ, ये आपका रैम्प एरिया आ जाएगा, जिसमें भी अगेन आपको टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी. एंड जो विला के बिल्कुल अपोजिट यानी आपका जो रोड रहेगा गाइस, वो भी 30 फीट वाइड रोड के साथ आपको मिलेगा. एंड अब हम बात करते हैं इसके मेन डोर की, मेन गेट की, जिसमें आपको आयरन का तो साथ साथ मिल ही रहा है, साथ में जो ब्राउन कलर की जो है आप देख सकते हैं वुड वाली जो शीट्स यूज हुई हैं, उससे अलग ही ग्रेस जो है आपके मेन एंट्री को मिल जाएगी. दोनों तरफ आपको पिलर्स मिल रहे हैं, साथ में लाइट्स भी मिल रही हैं. ओवरऑल अ वेरी गुड एंड परफेक्ट लुक जो आपके घर को मिल रही है. तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. गाइस, जैसे ही मैं अंदर एंटर करती हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पार्किंग एरिया, जो कि काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है. आराम से आप एक बड़ी गाड़ी इंटरनली पार्क जो है यहाँ पे कर सकते हैं. एंड इस एरिया की भी मैं बात करूँ तो ये आपका वॉशिंग एरिया भी यूज़ हो सकता है, प्लस अगर आपके पास टू व्हीलर भी है तो यहाँ पे इजीली एक टू व्हीलर यहाँ पे पार्क हो जाएगा. एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप स्पेस देख रहे हैं, ऑलरेडी ग्रिलिंग की हुई है. एंड यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे मिट्टी पड़ी हुई है, तो ये पर्टिकुलरली एरिया आपका ग्रीन एरिया रहेगा, जहाँ पे आप प्लांटिंग कर सकते हैं, ग्रास का यूज़ करके और सुंदर बना सकते हैं. एंड इस तरफ अगर देखा जाएगा तो आपको विंडो मिल जाएगी, तो ग्लास का अगेन एलिवेशन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. यहाँ पे आपको जो है टाइल वर्क मिल जाएगा, प्लस लाइट्स भी यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है. देन हमारी जो मेन एंट्रेंस रहेगी हमारे घर की, वो रहेगी गाइस ड्यूल एंट्रेंस. सबसे पहले हम आपको जो है यहाँ पे मैश डोर प्रोवाइड कर रहे हैं. काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें दोनों डोर्स मिले, मैश डोर भी और मेन डोर जो हमारा होता है. तो यहाँ पे आपको ये भी वुडन डोर मिल रहा है, तो आइए चलते हैं अंदर. सो गाइस, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे ड्राइंग एरिया की. सो आजकल जो सोफ़ास का ट्रेंड चल रहा है गाइस, वो एल शेप में चल रहा है. तो अगर हम यहाँ पे एल शेप में जो है डिज़ाइन करके अपना 5 to 6 सीटर सोफ़ा सेट इंस्टॉल करेंगे, एंड साथ में हमारा एक अच्छा सा टेबल भी यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रॉपरली जो है आपका ड्राइंग एरिया का स्पेस है वो कवर हो जाएगा. साथ में आपको यहाँ विंडो भी मिल रही है ताकि सनलाइट, वेंटिलेशन आपके एरिया में आती रहे. प्लस बहुत ही सिंपल से कलर के साथ और अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको पूरी वॉल में, अगर आप देखेंगे ड्राइंग एंड डाइनिंग की, एक वॉलपेपर हम दे रहे हैं एज इट इज़, ताकि लुक और इंक्रीज हो जाए. प्लस देन हमारे ड्राइंग एरिया के सामने जहाँ पे मैं प्रेजेंटली खड़ी हूँ, वहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया. तो गाइस, जिसमें आप 4 सीटर डाइनिंग सेट ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छा स्पेस आपको डाइनिंग एरिया में मिल जाएगा.
प्लस बिल्कुल सामने बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ गाइस, आपका जो वुड वर्क प्रॉपरली यूज़ करके एलईडी पैनल भी हम आपको जो है दे रहे हैं, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, लाइट्स भी यहाँ पे मिल रही है, नीचे कैबिनेट्स भी आपको मिले हुए हैं। ओवरऑल जो एलईडी पैनल की लुक है गाइस, बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे लग रही है और इंक्रीज़ कर रही है आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को। तो जो टोटल एरिया रहेगा गाइस आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया का, वो 10x21 का एरिया रहेगा। एंड बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आपको जो है फॉल सीलिंग में मिल जाएगा ड्राइंग एंड डाइनिंग की, तो और भी लुक जो रहेगी इसकी और अच्छी डेवलप यहाँ पे हो रही है। सो गाइस बिल्कुल डाइनिंग के अपोजिट आ जाएगी हमारी किचन, तो बहुत ही अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ ये किचन जो है डिज़ाइन हुई हुई है। एंड हम देखते हैं जो आपकी कैबिनेट्स का स्पेस रहेगा, वो भी काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको जो है ये कैबिनेट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आप इजीली अपना सामान जो है स्टोर कर सकते हैं। एंड ये प्लेस आपकी चिमनी की रहेगी, और जो आपका टॉप पे मार्बल यूज़ हुआ है वो भी ग्रेनाइट मार्बल यहाँ पे आपको मिल रहा है। ड्यूल सिंक रहेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी आपको जो है विंडो मिल रही है। तो इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ से अगर कोई भी आपके घर में बाहर आ रहा है या ब्रिंग कर रहा है, तो ईजिली आप देख सकते हो कि आपके घर के बाहर जो है कौन आया है। तो मेजरली जो वुमेंस अकेली रहती हैं, तो एक प्लस पॉइंट गाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इधर किचन में भी आपको जो है फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिल रहा है। गाइज अगर आप पार्टीशनिंग करना चाहते हो अपनी किचन एरिया को डाइनिंग ड्राइंग से, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी वुडवर्क यूज़ हुआ है, इस जगह पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन फॉल सीलिंग में मिल रहा है। हमने ट्राई किया है गाइज कि आपको हर एक छोटी चीज़ हम इस विला के अंदर प्रोवाइड कर सकें, एक लग्जरी कंसेप्ट लेकर आ सकें। तो हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। सो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो इसके अगर साइज़ की बात करूँ तो 16x10 के रूम साइज़ के साथ ये हमने बनाया है। काफ़ी अच्छा स्पेस गाइज आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, इजीली आप बेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड देन अगर हम इस वॉल की बात करें गाइज, तो प्रॉपरली लाइट कलर के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ये हमने वॉलपेपर इस वॉल पे लगाया है, और ही आपके जो रूम की जो लुक रहेगी वो बहुत ही अच्छी लुक जो ये दे रहा है वॉलपेपर। इसी के साथ यहाँ पे आपका एक ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाएगा, जिसके इंटरनल हमने सेक्शंस बना रखे हैं। एंड नीचे भी स्टोरेज के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो एक अच्छा पार्ट है वुमेंस के लिए स्पेशली। एंड देन यहाँ पे गाइस फुल हाइटेड आपको कबर्ड्स मिल जाएंगी, दो कबर्ड्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है। इजीली आप यहाँ पे अपने कपड़े स्टोर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ नीचे शू रैक्स के ऑप्शंस भी आपको इस कबर्ड में मिल रहे हैं, ऊपर आप लगेजेस वगैरह भी रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मुझे वार्डरोब्स का भी यहाँ पे लग रहा है। एंड जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा है, लाइट्स यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको दे रहे हैं, तो एक परफेक्ट डिज़ाइन अगर मैं कहूँगी एक रूम का, काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ गाइज। एंड जिस वॉल की बात करें तो वुड वर्क का यहाँ पे एलईडी पैनल प्लेस किया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे आपको विंडो भी मिल रही है, ताकि सनलाइट वेंटिलेशन आपके रूम में भी आपको मिलती रहे। प्लस पॉइंट अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, जिसमें सारी सैनिटरी फिटिंग हम आपको ब्रांडेड देंगे। अभी यहाँ पे जो है सामान रखा हुआ है, इसलिए हम आपको शो नहीं कर रहे, बट जो साइज़ रहेगा आपके वॉशरूम का वो भी गाइज एक स्टैंडर्ड साइज़ है, 7x5 के आपको जो है वॉशरूम्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एक जो रूम में हमें चीज़ें चाहिए होती है वो सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूम देखते हैं। सो गाइस यहाँ से एंट्री रहेगी हमारे सेकंड बेडरूम की। तो सबसे पहले अगर मैं साइज एक्सप्लेन करूँ, बिल्कुल सिमिलर साइज के साथ ये भी हम आपको बेडरूम दे रहे हैं, जो कि 16x10 का रहेगा। अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो वॉल है उस पर भी काफ़ी अच्छा वॉलपेपर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट यहाँ पे जो है मुझे देखने को मिल रहा है वॉलपेपर्स का, बहुत अच्छा है। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम कंसेप्ट गाइज आपकी वार्डरोब्स का यहाँ पे आपको मिल रहा है, फुल हाइटेड ड्राइंग की। इसका बेनिफिट गाइज ये रहता है कि आपको स्टोरेज की कोई इशू नहीं आएगा, अच्छा आपको स्टोरेज मिल जाएगा। देन हम अगर हम एलईडी पैनल की बात करें, तो एक वुडन यहाँ पे हमने यूज़ किया है, वो भी अच्छी ग्रेस दे रहा है आपके रूम को। जो फॉल सीलिंग रहेगी वो भी एक अलग कंसेप्ट के साथ आपको इस रूम में भी जो है मिल रही है। एंड इस तरफ आ जाएगा गाइस आपका ड्रेसिंग एरिया, अच्छा आपको यहाँ पे मिरर मिल रहा है, सेक्शंस आपको इंटरनली भी मिल जाएंगे, प्लस कुछ सेक्शंस आपको नीचे भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा ड्रेसिंग एरिया रहेगा।
एंड इसके साथ भी अगेन आपका अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, तो जिसका अगेन साइज 5x7 रहेगा, एक स्टैंडर्ड साइज जो वॉशरूम्स का रहता है विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स गाइस आपको मिलेगा। तो अब हमारी बारी आ जाती है हमारे बैकयार्ड की, जिसको आपको इस रूम के साथ गाइस असेस मिलेगा, जहाँ पे एक वुडन डोर आपको मिल रहा है, साथ में आपको एक मैश डोर भी मिल रहा है। तो आइए चलते हैं बाहर। सो गाइज, ये आपका स्पेस रहेगा आपके वॉशिंग एरिया के लिए। हम ऑलरेडी आपको टैप्स की फिटिंग्स यहाँ पे दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये ओपन टू स्काई रहेगा, तो प्रॉपरली वेंटिलेशन आपके घर में आती रहेगी। सो गाइज, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें हमने आपको दिखाई 2 bedrooms, ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको 1 bedroom देखने को मिलेगा। तो उससे पहले अगेन मैं आपको इसकी लोकेशन डिस्क्राइब करना चाहूँगी। सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली में ये विला पड़ेगा, विद द साइज ऑफ 112 स्क्वायर यार्ड। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो गाइज, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनका विला या कोठी रहे, उनकी जो स्टेयर केस रहे, वो अगर बाहर से रहती हैं, तो उनको एक साइड बाय साइड जो है रेंटल इनकम भी जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये भी उन विलाज में से एक विला रहेगा, जिसकी स्टेयर केस आपको बाहर से मिलेगी, ताकि अगर आप रेंटल चाहते हैं, अपना रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो वो भी आपको इजिली यहाँ पे जो है मिल जाएगा। गाइज, जो स्टेयर केस पे आपको ग्रिलिंग मिलेगी, वो स्टेनलेस स्टील की मिल रही है, एंड जो फ्लोरिंग रहेगी वो ग्रेनाइट मार्बल की रहेगी। तो आइए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की फ्रंट बालकनी। गाइज, ये आपको जो है आपकी फ्रंट बालकनी मिल जाएगी, जिसमें जो ग्रिलिंग में यूज हुआ है वो टफन ग्लास यूज हुआ है, प्लस स्टेनलेस स्टील आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये आपकी एंट्री रहेगी आपके फर्स्ट फ्लोर की, जिसमें हम आपको 2 doors प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा मैश डोर, जैसा आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखा, एंड सेकेंड हमारा वुडन डोर रहेगा। गाइज, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका किचन का कंसेप्ट, जैसे इज इट इज गाइज आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखी, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम कंट्रास्ट, हर एक चीज़ आपको एज इट इज आपके हम फर्स्ट फ्लोर पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम कैबिनेट्स की बात करें, तो काफ़ी अच्छा साइज आपको कैबिनेट्स में मिल रहा है। साथ में गाइज, यहाँ पे आपको ड्यूल सिंक का भी प्रोविजन हम दे रहे हैं। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाएगी, ताकि लाइट आपको मिलती रहे। एक अच्छा सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हम आपको किचन में भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगेन, एक रेंटल इनकम के लिए अगर आप फर्स्ट फ्लोर अपना रेंट आउट करना चाहते हो, तो उसके साथ आपको एक अच्छी किचन भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो किचन के बिल्कुल सामने गाइज एक स्पेस आ जाएगा, काफ़ी अच्छा स्पेस एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ सिटिंग सा एरिया छोटा सा यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे भी एक अलग सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको मिल रहा है। गाइज, और भी काफ़ी अच्छे तरीके होते हैं हम अपने घर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या क्या क्रिएटिविटी आप यहाँ पे करते हैं। देन यहाँ से एंट्री रहेगी गाइज हमारे 3rd bedroom की, और हमारे 1st bedroom की, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर का रहेगा। तो ये आपका स्पेस रहेगा आपके फर्स्ट बेडरूम का। इसका साइज़ अगर मैं बात करूँ, तो 10x13 का साइज़ रहेगा, एक स्टैंडर्ड साइज़ के साथ आपको ये रूम मिल रहा है। वाओ, लुक एट दिस वॉलपेपर गाइस, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल रहा है, और जो कलर कंट्रास्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे कलर कंट्रास्ट यूज़ हुए हैं। एंड जो सीलिंग का भी डिज़ाइन रहेगा, वो भी एक अलग सीलिंग का डिज़ाइन है। जो गाइस इसकी लाइटनिंग इफेक्ट रहेगा जो आपकी सीलिंग का है, वो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो लुक दे रहा है आपके रूम को। देन एक बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए, प्लस जो LED पैनल का हमने एरिया डिज़ाइन किया है, वो एक वुड वर्क के साथ किया है। देन गाइज, इस रूम में आपको हम एक कबर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड साइज़ की कबर्ड आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा स्पेस गाइज यहाँ पे आपको कबर्ड में भी हम दे रहे हैं। देन इसी के साथ आ जाएगा आपका अटैच्ड वॉशरूम। तो गाइज, यहाँ पे भी आपको जितनी भी फिटिंग्स मिलेंगी, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी। जो टाइल्स का कलर कंट्रास्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो गाइज, ये देखा आपने हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो हम चलते हैं हमारे टेरेस की तरफ। सो गाइज, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर की आपकी टेरेस रहेगी, जिसे हम मिनी टेरेस भी बोल सकते हैं। तो बहुत सफिशिएंट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इस एरिया के लिए भी, उस अगर आप जगह नोटिस करेंगे, तो वहाँ पे आपको टैप का प्रोविजन हम दे रहे हैं, तो वॉशिंग एरिया भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस है, अगर आप चाहें तो सिटिंग एरियाज भी आप बना सकते हैं, ग्रीन एरिया प्लांटिंग करके और ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपनी टेरेस को। वैसे भी आजकल ओपन टेरेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो बारबेक्यू, बहुत सी चीज़ें जो है आप यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन अगर आपने सेकेंड फ्लोर पे जाना है, तो ये स्टेयरकेस आपको सेकेंड फ्लोर पे लेकर जाएगा, जो कि आपकी मेन टेरेस रहेगी। तो आइए चलते हैं, एक बार वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं।
सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड फ्लोर पे। तो एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि जी प्लस टू का कंसेप्ट रहता है, दैट मीन्स ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि आप बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, अगर आप चाहते हैं स्टोर रूम, पूजा रूम या एक एक्स्ट्रा रूम रखना, तो वो भी आप इजिली यहाँ पे जो है कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटीज रहेंगी आपके घर की, जो कि नियर बाय हॉटस्पॉट्स लोकेशन भी रहेंगे। जो लोकेशन है आपके विला की, दैट इज सेक्टर 125 सनी एनक्लेव मोहाली विद द साइज ऑफ 112 स्क्वायर यार्ड। बहुत अच्छा साइज है, एक स्टैंडर्ड साइज रहेगा, लोकेशन भी बहुत जबरदस्त है विद अफोर्डेबल प्राइस। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है रिलेटेड टू प्राइस, लोकेशन, कनेक्टिविटीज, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू।